तो आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ई कल्याण का अभी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने का डेट है बढ़ चुका है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं जो कि झारखंड से हैं, उन लोग के लिए ये एक गुड न्यूज़ है कि उनका जो है अभी झारखंड का ई कल्याण का साइट फिर से रीओपन कर रहा है। और इसमें रीओपन करेगा उसमें आपको कब से कब तक डेट देगा ऑनलाइन करने के लिए, यानी कि अप्लाई करने के लिए आपको स्कॉलरशिप। तो जो भी बीएड कर रहे हैं झारखंड से वो स्टूडेंट इस वीडियो को अवश्य देखें, और जो कर चुके हैं या फिर जो अभी अदर किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। उनको भी फिर से मौका दिया जा रहा है अप्लाई करने के लिए इस झारखंड का स्कॉलरशिप को। तो चलिए इस वीडियो में अभी आपको एक एक करके दिखाएंगे पूरा नोटिस। नोटिस में देखिए क्या कहा गया है और कब से आपका कब तक जो है इसको स्टार्ट कर रहा है, कब से स्टार्ट होगा, कब तक इसका अंत मतलब लास्ट डेट कब तक रहेगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे और दिखाएंगे आपको प्रूफ के साथ कि ये पूरा नोटिफिकेशन है। अभी इसका ऑफिशियल साइट में मिलेगा आपको नोटिफिकेशन, या फिर मेरे पास है वहाँ से भी आपको दिखा देंगे। तो देखिए अभी हम यहाँ पर आपको पूरा दिखाएंगे इस वीडियो में। तो जो स्टूडेंट देखिए बीएड कर रहे हैं वो तो इसको अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ है। क्योंकि अभी जो बीएड में देखिए थर्ड काउंसलिंग जो हो चुका है, जिन स्टूडेंट का फोर्थ काउंसलिंग नहीं हुआ है और थर्ड काउंसलिंग में जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं, उन लोग के लिए अभी मौका मिला है कि आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप को, क्योंकि आपका एडमिशन जो है बहुत लेट से हुआ है बीएड में झारखंड में। तो आप इसको देख के और सीख सकते हैं कि आपको कब से अप्लाई करने का डेट दिया जाएगा और कब से आपका इसका कब तक डेट रखा गया लास्ट डेट, तो आप इसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए अभी पूरा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको सबसे पहले वो नोटिस दिखाएंगे हम कि नोटिस में क्या कहा गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड, ये जो ऑफिशियल साइट है आपका ई कल्याण का, ऑफिशियल साइट पे जाइएगा आप। तो ऑफिशियल साइट पे देखिए अभी ये आपका जो पोर्टल है मतलब जो पोर्टल है अभी खुला नहीं है। तो ये पोर्टल देखिए आपका कब से खुलेगा ऑनलाइन करने का, आपको कब से अप्लाई करने का डेट देगा स्कॉलरशिप को, आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको दिखाते हैं। तो देखिए अभी नोटिस को पहले आपको दिखा देते हैं उस नोटिस में क्या कहा गया है। तो नोटिस को देखिए अभी हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट, यही नोटिस अभी जारी हुआ है आपका झारखंड का ई कल्याण के जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है आपको, जो इसमें अभी जो नोटिस जारी हुआ है, इस नोटिस में देखिए क्या कह रहा है, पूरा आपको एक एक करके पढ़ के सुनाते हैं और इसमें दिखाते हैं आपको कि कब से आपका कब तक है लास्ट डेट, कब से स्टार्ट हो रहा है ये जो पोर्टल है आपका ऑनलाइन करने का, वो कब से रीओपन होगा, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं और कब तक लास्ट डेट है। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, संख्या नंबर इतना, छात्रवृत्ति पी एवं पोस्ट मैट्रिक आपका 2020। तो देखिए इसमें क्या क्या है, प्रेषक कौन है, अजय नाथ झा जो है आपका सरकार के अपर सचिव, और सेवा में यहाँ पर कहा गया आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखंड रांची, यहाँ पर लिखा गया ये। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, नीचे और क्या कह रहा, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, विषय, विषय में देख लीजिए क्या कह रहा है, विषय में आपको कह रहा है कि ई कल्याण पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन सत्यापन की अवधि विस्तार के संबंध में, तो यानी कि इसमें आवेदन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए उसके नीचे देखिए और क्या कह रहा है, नीचे देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे नीचे देखिए क्या कह रहा है कि महाशय, महाशय के बाद देखिए यहाँ लिखा है निर्देश अनुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई हेतु ई कल्याण पोर्टल की तिथि निम्न रूपन विस्तारित की जाती है, यानी कि आपका जो है ई कल्याण का जो पोर्टल है जिसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ई कल्याण का जो स्कॉलरशिप होता है उसको आप झारखंड का स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ई कल्याण के माध्यम से ही होता है, ई कल्याण पोर्टल से। तो यहाँ पे देखिए उसको विस्तारित करने का अभी आदेश जारी कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ कब से ये रीओपन होगा आपका, तो यहाँ पे पूरा डेट के साथ लिखा। तो देखिए प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई यहाँ पे क्या कह रहा है, झारखंड राज्य एवं राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बीएड महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022 के लिए वर्ष 2021 में नामांकन लेने वाले छात्र छात्रों हेतु शैक्षणिक सत्र 2021
2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि, यानी कि देखिए इसका ई कल्याण का जो पोर्टल खुलेगा वो 18/2 से खुलेगा, यानी कि आज है आपका 15 तारीख, तो ये 18 तारीख से रीओपन होगा आपका ये ई कल्याण का पोर्टल। तो 18 तारीख से आपका जब है 28 तारीख तक ये पोर्टल जारी रहेगा। इसमें आप ई कल्याण पोर्टल पर ये देखिए यहाँ पर लिख दिया है ई कल्याण पोर्टल बंद होने की तिथि, यानी कि ई कल्याण का पोर्टल जो है ये बंद हो जाएगा 28 तारीख तक, यानी कि 28 फरवरी तक। तो 18 से लेकर 28 फरवरी तक आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, जितना भी स्टूडेंट है बीएड कर रहे हैं तो आप यहां से जाके अप्लाई कर लीजिए जल्दी से, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक छूटा हुआ है। अगर आपका देखिए बोनाफाइड इस कॉलेज से लेना बाकी है तो पहले जाके बोनाफाइड लेकर रेडी रखिए, और आपके पास अभी एक दो दिन टाइम है, आप पोर्टल खुलने से पहले ही सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही पोर्टल खुलेगा आप ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि पोर्टल हो सकता है बिजी हो जाए, क्योंकि बहुत दिन बाद से फिर पोर्टल को रीओपन किया जा रहा है। इसके पहले ही पोर्टल जो खुला था आपका 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक खुला था, यानी कि 5/2 से लेके आपका 5/2/2022 से लेके आपका 15/2/2022 तक, सॉरी दो नहीं यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यानी कि 15/1 से लेके 5/1 से लेके 15/1 तक आपका जो है पोर्टल खुला हुआ था, 15/1 के बाद आपका ये पोर्टल बंद हो चुका है। तो जनवरी तक 15 तारीख तक डेट बढ़ाया गया था 5 जनवरी से लेके, तो ये डेट अभी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद बहुत दिन बाद फिर से ये पोर्टल खुल रहा, देखिए फिर से ये पोर्टल जारी हो रहा आपका, कब से 18 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आपका खुला रहेगा पोर्टल, यहां से फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक कंप्लीट नहीं है, रेडी नहीं है, जाति निवासी जो भी आपको लगता है, जिनका आय प्रमाण पत्र लगता है, इसमें जाति निवासी भी लगता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास एक दो दिन का भी टाइम मिलेगा, तो पहले जाके आप वो सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही पोर्टल खुलेगा आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि पोर्टल बिजी हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी अप्लाई नहीं किए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद नीचे देखिए और क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है शैक्षणिक सत्र 21-22 हेतु संबंधित छात्र छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि, अंतिम तिथि क्या कहा गया है यहाँ पे 12/2 से लेके 28/2 तक 2022 तक ये आपका अंतिम तिथि है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र छात्रों के आवेदन के सत्यापन की अंतिम तिथि, यानी कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं ये कॉलेज को ये सूचित कर रहा है कि आप जो है कैंडिडेट का, अगर आपका स्टूडेंट आपका कॉलेज का है, तो आप जो इसको 18/2 से लेके 3/4/3 यानी कि 4 मार्च तक आप जो है ई कल्याण का पोर्टल में जाके आप सत्यापन कर दे कि ये मेरे स्टूडेंट हैं मेरे कॉलेज के। तो वहाँ पर उन लोग के लिए भी कह दिया गया यहाँ नोटिस, अंतिम तिथि दे दिया गया 4/3 तक उन लोग का वेरीफाई, यानी कि कॉलेज वेरीफाई करने का टाइम दिया गया यहाँ पे, तो कॉलेज वेरीफाई करेगा उसके बाद ही आपका आगे प्रोसेस होगा, तो उनका भी डेट दे दिया गया है। उसके बाद देखिए नीचे क्या कह रहा है, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञापन के मध्य से ये सूचित किया जाता है कि ये अवधि विस्तार अंतिम रूप से है तथा सभी आवेदक सत्यापन पंजीकरण का कार्य निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से पूरा कर ले, ताकि छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया समय पूर्ण हो सके। यानी कि कह रहा है कि अभी जो ये आपका उसके बाद ये अभी आपका विस्तारित किया गया है, अवधि जो है अंतिम रूप से है, इसके बाद और नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही बार डेट बढ़ चुका ये जो लेके इस बार जो डेट बढ़ा ये 18 से लेके 22 ये लेके कम से कम 5 बार अभी तक डेट को बढ़ा दिया गया है, यानी कि 5 बार तक डेट बढ़ चुका है, इसके बाद और डेट नहीं बढ़ेगा यहाँ कह रहा है। तो आपको आपके लिए अंतिम मौका है, आप जाके अपना जो सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, ई कल्याण का पोर्टल में 18 तारीख से ओपन होगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट बार आपको चांस मिल रहा है। जो भी बीएड स्टूडेंट है उन लोग के लिए खास है ये, क्योंकि आपको बहुत ही पैसा लगता है बीएड में, तो आप वहाँ से पैसा ले सकते हैं स्कॉलरशिप के तौर पर, आपको कुछ पैसा वहाँ से मिल जाता है, तो यहाँ से आप जाके उसको अप्लाई कर दें। तो देखिए इसमें ये जो नोटिस दिया गया है ये आपका जन्मिन नोटिस है, आपको जो बता दिए हम ये जन्मिन है, इसको आप देख सकते हैं। 18 तारीख से ये पोर्टल आपका खुल जाएगा, तो यहां से जाकर आप देख सकते हैं।